हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत करके तरक्की कर रहे होंगे। हाय, हेलो हेलो कार्तिक राज। यस, आई एम ऑल गुड एंड ठीक मस्त। हेलो निशान जी, हेलो एवरीबॉडी। रिलीज होगी? क्या रिलीज होगी? क्या हाल है सैड बॉय? मस्त है एकदम हाल, एकदम स्वस्थ और खुशियों से भरा। आई एम राजीव, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, आप कैसे हो? रजनीश मिश्रा जी, हेलो। सो अभी दिवाली आ रही है, कौन कौन एक्साइटेड है? और इस बार तो हम लोग दिवाली अपने फैमिली के साथ मनाने जा रहे हैं। सो लकीली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग अपनी दिवाली फैमिली के साथ मनाएंगे। सो एक्साइटेड हूँ। थैंक यू तिवारी एसी। आप लोग ऐसे नाम क्यों रखते हो गाइस? ओरिजिनल नेम रखिए ना, तिवारी एसी। एसी रवि यादव, ये सही बात है। तो आई गेस वो चीजें वहां भी लागू होती है। खैर वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाय माय लव काजल राघवानी, हाय। हेलो जूली, हेलो गोलू जी, हाय। सो गाइस, बहुत दिनों से बहुत चीजें चल रही है, मैं उसी के लिए आप सबसे बात भी करना चाहती थी कि मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ही इन सब चीजों में वैसे भी नहीं पढ़ना चाहती थी और ना ही मैं आज भी मैंने कभी ये सोचा था कि ये ऐसा दिन भी आ सकता है कि मतलब इन सब चीज़ों में पढ़ना। और क्योंकि जो चीज़ें चलती आ रही है वो तो कभी बंद हो नहीं सकती है और इन सब चीज़ों के लिए इतना होना, अगर इतने सालों से शायद ही आप लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ कभी देखे होंगे। मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती भी नहीं हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद है बिकॉज़ मुझे मेरे काम से जवाब देना ज़्यादा अच्छा लगता है मेहनत करके, और वो मैं बहुत ईमानदारी से करती हूँ। सो मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेगा ही आज की डेट में भी। सो मुझे मेरे काम पे फोकस करना है इन सब चीज़ों से। आप सीरियसली बताओ, मैं पहले भी मैं ये सब चीज़ें बहुत देख चुकी हूँ और लोगों को देख चुकी हूँ कैसे उन्होंने लड़ा है, फिर किसी ने उन पे ब्लेम किया है, हर एक चीज़ किया है। तो इन सब चीज़ों से मुझे आई वॉन्ट टू ग्रोन अप। मुझे इन सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और ना अभी भी है और ना ही आगे होगा बिकॉज मुझे मेरे काम पे फोकस करना है। सो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं और जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि हम आपके साथ हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी तहे दिल से। और थैंक यू कुमार अंकित, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना, आप लोग ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया उन सबको, और जिन्होंने भी बहुत चीज़ें गलत 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 चीज़ें बोली गई है, कुछ यूट्यूबर्स है जो भी है,
मैं उनसे भी तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, और जिन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं, ये शायद उनका होगा कि घर चलाने के लिए वीडियोस बनाना, किसी आर्टिस्ट के ऊपर, दुनिया में एक ही इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, और अंदर की बातें मैं भी समझ सकती हूँ। सो मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूँगी, शायद आप लोग का इन सब चीज़ों से घर चलता होगा, बट मेरा मेहनत से मैं अपना घर चलाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ इन फ्यूचर भी और अभी भी। सो इन सब चीज़ों से मुझे अब कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, मुझे ना बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए कॉल आ रहे हैं, बट पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अब मैं इन सब चीज़ों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज एक ही बात मैं हर जगह नहीं दोहरा सकती हूँ। जो बातें थी मैंने सच बता दी है, उसके ऊपर कोई यकीन करे ना करे, जो करते हैं वो करते हैं, नहीं करते वो नहीं करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिसकी जिसकी बातें हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सच क्या है। सो जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, ना कभी मिली हूँ, ना कभी हाय हेलो हुआ है, वो अगर टिप्पणियाँ देते हैं अगर किसी के रिलेशन में या किसी के बातों में, किसी की चीज़ों में, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी मायने नहीं देती हूँ। आप लोग बोलते रहिए, बिकॉज शायद इसी से आप लोग फेम पाना चाहते होंगे मेरे ख्याल से, अश्लील बातें करके, अश्लील वीडियोस बना के, गाली गलौच और सारी चीज़ें करके, और गाने के थ्रू या ऐसे वीडियोस, और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जैसे सब लोगों ने ऐसे जो बनाया है डैश न्यूज़, दिस न्यूज़, ABCD न्यूज़, जो भी वगैरह वगैरह जो भी है न्यूज़, जितने भी चैनल्स हैं, तो न्यूज़ में जो न्यूज़ होती है वो सिख की भी न्यूज़ होती है, उसमें सिर्फ लड़कियों की इज्जत उतारने की ही न्यूज़ नहीं होती है। तो शायद आप लोग ये जो न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं, कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफेशनल न्यूज़ वाले नहीं हैं, मीडिया वाले, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं वो शायद आप लोग अपना घर चलाने के लिए चला रहे हैं, लेकिन किसी की इज्जत उतार के, किसी को गाली गलौच करवा के, किसी का मतलब इस तरह से करके अश्लील चीज़ें फैला के, मुझे नहीं लगता कि ये पैसा किसी को भी रास आता है और ना ही आएगा लाइफ में कभी, बिकॉज मैंने इतना ज़रूर देखा है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत का पैसा होता है वो हमेशा फलता है, और जो आप लोग जिस तरह से पैसा ये कमाने की, आप लोग जो आपकी ये चीज़ें चल रही हैं वो शायद ही ना हो। सो मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं पर्सनली उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीज़ों को भूलिए, अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, अपने काम से जवाब देना है और मैं काम से ही जवाब दूंगी, बिकॉज मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए है तो काम ही किया है मैंने, और काम से ही अपना लोगों के दिल तक पहुँच पाई हूँ। ये बात तो अभी अभी चीज़ें बाहर आई है, बिकॉज वो इंसान ने कभी अपना शायद बोलना बंद नहीं किया, जिस चीज़ के लिए मैंने हमेशा उनको बोला गया है कि प्लीज़ आप मेरे नाम मत लीजिए कहीं पे, ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए। सो दैट्स इट। और तो गाइस, ये लास्ट इंटरव्यू है, और अगर वो इंसान के तक ये बात पहुंचती भी है तो मैं भी उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपको सच पता है, मुझे भी सच पता है, आप शायद अपना गैंग जो भी है आपका, जितना भी पर्सनल गैंग है, उस गैंग को यूज़ करके आप बेशक आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके बारे में कोई न्यूज़ वाला गलत बोल दे तो शायद आप वहाँ पे धमका सकते हैं उन लोगों को, भिजवा सकते हैं लोगों को, ये चीज़ें मेरे सामने हुई हैं। सो दैट्स ओके, वो आपका पर्सनल लाइफ है, आप उस तरीके से जीना चाहते हैं, और जो लोग और उनके साथ उनके सपोर्ट में ये चीज़ करते हैं, तो गाइस आप भी ये चीज़ देख रहे हो, आपके पहले भी कई लोग हैं उनके लाइफ में जो आए और गए, तो शायद आप भी आए गए कभी कभी हो सकते हो। सो किसी भी इंसान के पीछे उतना तप पड़िए
जब आप अपने ऊपर कैपेबल हो, ना कि किसी स्टार को लेके उसके कंधे पे बैठ के आप लोग भी उसकी तरह दूसरों को टारगेट करो। शायद आपको मेहनत, अगर आप लोग इतने ही काबिल है तो अपनी मेहनत से दिखाइए ना, सारा चीज करके। किसी स्टार के कंधे को यूज करके आप लोग दूसरों को कैसे ट्रॉल कर सकते हो? शायद आप लोग अभी नहीं समझेंगे, बट इन फ्यूचर मे बी डेफिनेटली आप लोग समझेंगे। और एनीवेज आप लोग हैप्पी दिवाली मधुमेंद्र जी, आपको भी। मुझे इतनी खुशी है कि जितने लोगों ने भी मेरे बारे में जो भी अनशन बोला है, वो जिनको मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, ना वो लोग मुझे जानते हैं, ना मैंने कभी हाय हेलो भी किया होगा। सो मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें कोई इंडस्ट्री वाला शामिल नहीं है जिन्होंने मुझे गलत साबित किया हो या मेरे बारे में उन्होंने बोला कि मैं गलत हूँ। सो इस बात की मुझे खुशी हो रही है। मैं यहाँ पे ही अपने आप को जीता हुआ महसूस करती हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री वाले ही जानते हैं सत्य क्या है, सच क्या है। सो उन लोगों से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ जिसको मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। और वो जो खुद ही लोग एक हीरो का साथ देके उनके कंधे पे बैठ के उनके फैन फॉलोवर्स फॉलोविंग सब लोग मतलब वो यूज़ करना चाहते हैं कि हम लोग ने सपोर्ट किया, हम लोग ने बोला, हम लोग ने ये चीज़ें करी, तो भैया उन पे मेहरबान होंगे। और मैं तो चाहूँगी कि भैया आप लोग पे मेहरबान हो जाए और आप लोग आगे बढ़िए और आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे वर्क मिले, उनके साथ काम करिए, जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं। सो गाइस, मेरी मामा ने भी मुझे कहा है कि काजल ख़त्म करो। सो मैं ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। और मुझे पहले से भी कोई कंट्रोवर्सी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, ये लाइव आना, वीडियोस, इंटरव्यूज देना, लोगों को गलत बोलना एंड सारी चीज़ करना। सो मुझे बिल्कुल भी, हाँ नीतू उपाध्याय जी, बकवास बात पर ध्यान क्यों देती हैं आप? बकवास बातों पर मैं पहले भी ध्यान नहीं देती थी और अभी भी नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे वर्क करना है। मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे फोकस करना है, वर्क करना है, और मैं वर्क से ही अपना काम करूँगी, अपना मेहनत से ही वर्क करना चाहती हूँ। और वही मेहनत में सबको दिखेगी भी अपने वर्क में। सो ये सब, इन सब चीज़ों से थोड़ी घर चलते हैं, काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, और वो मैं कर सकती हूँ बिकॉज मैंने इतने साल से करी है तो मुझे पता है। और माधवेंद्र जी, पहले भी जैसे थी आज भी वैसे ही हो, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। थैंक यू सो मच मधु जी, अप्रिशिएट करती हूँ, आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री मेरा सपोर्ट कर रही है। सो थैंक यू सो मच पूरी इंडस्ट्री को। बाहर लोग क्या बोलते हैं जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे इंडस्ट्री वालों ने ही बोला कि इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं है बोलना, बिकॉज जो जिसकी चीज़ है वो उसी जगह पे रहेगा और वो वही चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लड़कियों को खासकर दबाने के लिए। तो मैं उतनी ही तगड़ी मेहनत करूंगी और उतना ही अच्छे से आगे बढ़ूंगी। सो गाइज वेट एंड वॉच। सो चलो अब नॉर्मल बात करते हैं। सो दिस चैप्टर एंड्स हियर, यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। इसी चैप्टर के दौरान कई अच्छे दोस्त बने मेरे, सो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मेरे इंटरव्यूज लिए, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी फैंस हैं उन सबको थैंक यू सो मच। अभी तो कोई लखनऊ का प्लान नहीं है, इंदिराज जी आना होगा तो
बताया जाएगा। बाबा संजू, लोगों की बातों पे ध्यान ना देकर अपना काम करते रहना ही बढ़िया है। यस यू आर राइट, बिकॉज जिन लोगों को जो काम है वो लोग हमेशा करते रहेंगे। हमारे पास आई गेस इससे ज़्यादा काम है और मेहनत करनी है और मेहनत करके आगे बढ़ना है। सो मेरे जैसे कि मैं गुजराती हूँ और गुजराती लोग मेहनत बहुत करते हैं, सो मैंने भी करी है और आगे भी मैं करती रहूँगी। ठाकुर महाराज, मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन कामयाबी एक दिन ज़रूर चूमेगी। यस यस ऑफ कोर्स, थैंक यू गोलू वर्मा, थैंक यू सो मच। हाय अयांश, हेलो काजल फैन पायल। ब्रिजेश कुमार, नहीं आई एम सॉरी बट नहीं, मैंने बहुत कोशिश की थी कि चीज़ें नॉर्मल हो और फैंस के लिए आगे काम किया जाए, बट आज इस चीज़ के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस। यहाँ पे काम में चीज़ें प्रोफेशनल नहीं होती हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ पर्सनल लेवल पे देखा जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप में चीज़ें देखी जाती है, यहाँ पे वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं दिए जाते हैं। सो ये बात यहाँ पे है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी अपना वर्क ही कर रहे हैं। और ये गाइस जो ये बातें होती है कि हम लोग छोटे हीरो के साथ काम करते हैं, फिल्में करते हैं, छोटी छोटी फिल्में या जो भी है, तो मेरे लिए एक आर्टिस्ट कभी छोटा नहीं है, एक एक्टर एक्टर होता है। शायद जो ये छोटा छोटा वर्ड जो यूज़ करते हैं, शायद उन्होंने जब स्टार्ट किया होगा तब वो भी छोटे ही होंगे फिर, क्योंकि तब उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सब लोग थे यहाँ पे। तो किसी को इस तरह से तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई छोटा है या बड़ा है। कोई मेहनत करता है तो बहुत आगे तक जाता है, कोई मेहनत नहीं कर पाता है तो नहीं जाता है। बट ठीक है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, सबका नसीब तो लिखा ही हुआ है तो आगे जाएगा। आज यही आप देख लीजिए, अगर आप में से कोई भी एक ड्रीम लेके आता है कि मुझे हीरो बनना है और आप किसी इंडस्ट्री की हीरोइन के साथ अगर काम करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग अगर उस हीरोइन के साथ काम करना चाह रहे हैं और वो हीरोइन बोल दे कि नहीं ये तो नया एक्टर है हम लोग काम नहीं करेंगे, तो ये तो छोटा हुआ। तो फिर यहाँ पे कम से कम ये हीरोइन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं सोचती हैं, बिकॉज सबके अपने सपने होते हैं और सबके अपने सपने होते हैं। जी अक्षरा जी, हर नए आर्टिस्ट की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो यादव परिवार से हो, चाहे वो सिंह परिवार से हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे शर्मा हो, चाहे पांडे हो, या एक्स वाई जेड जितने भी लोग हो, यहाँ पे हर नए आर्टिस्ट का मदद हम लोग करेंगे, चाहे बड़े एक्टरों के लिए वो लोग छोटे क्यों ना हो। बट जो भी अगर कोई नए एक्टर हैं जो उस काबिल है, तो ज़रूर वो हमारी फिल्मों में रहेंगे। और हम ही क्या, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं हमारे टॉप टॉप, जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी टॉप एक्ट्रेसेस हैं, सब लोग वर्क करती हैं, तो क्यों ना दे हम लोग वर्क, क्यों ना काम करें उनके साथ। अक्षरा जी, आपने बहुत योगदान दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू अक्षरा जी, बट आज मैंने सोचा है कि मैं लाइफ में कभी ऐसे किसी के ऊपर मुझे इंटरव्यूज देने नहीं हैं। हाँ, चीज़ें बहुत बहुत हर्ट हुई थी मुझे, और वो हाइट्स था मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी बोलती ही नहीं थी किसी के लिए। सो तब जाके मैंने हिम्मत करी, वो आप ही से आई। बट अब सब चीज़ें मैंने सबके सामने रख दी है, जो सत्य बात है, उसके आगे जिसको जो सोचना है वो सोच सकते हैं।
लोगों की सोच से खुद को इफेक्ट मत होने देना अक्षरा जी, नहीं कभी नहीं होने दूंगी, आप मुझे अपने काम पे ध्यान देना है और इन सब फालतू डिग्री में मुझे पढ़ना नहीं है, जो था वो हो गया और जो बोलना था मैंने बोल दिया, चाहे कोई सपोर्ट में हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर लड़की अपनी आवाज उठाती है तो उसको ऐसे ही दबाया जाता है ताकि वो आगे बढ़े नहीं, उसको ट्रॉल करेंगे, डोमिनेट करेंगे। यस अक्षरा जी, कभी कभी जवाब देना जरूरी होता है, वो मैंने जवाब दे दिया और आप ही से मैंने देख के वो चीजें, मैंने मैंने कहा भी कि अगर आप नहीं बोलती कि काजल को जवाब देना चाहिए तो शायद मैं आज भी जवाब नहीं देती, जितना मुझे ट्रॉल करते गए मैं सुनती रहती, बट मैंने जवाब दे दिया एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मेरा जो भी मेरे अंदर जो चीजें थी मैंने खाली कर दी कि असलियत क्या है, बट असलियत किसी को माननी है माने, अदरवाइज ना माने वो उनका ओपिनियन है, उनकी सोच है, बिकॉज इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच रानी जी, सब साथ है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच रानी जी, यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में बस लड़कियों को ही ट्रोल किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो शायद मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि हमारे इंडस्ट्री की लड़कियां बहुत ही पावरफुल है, अपने वर्क को लेके, अपने एक्टिंग को लेके और अपनी हर एक चीजों को लेके, दैट्स वाई लड़कियों को ही यहाँ पे ट्रोल किया जाता है और हमेशा उनको गिराने की कोशिश की जाती है। शायद उन लोगों को इस बात का डर होगा यह फैक्ट है। तो गाइज, हमारे जितने भी गर्ल पावर, जैसे कहते हैं गर्ल पावर, सो वही गर्ल पावर हम सबके अंदर है, दैट्स वाई यहाँ पे सब लोग लड़कियों को ही टारगेट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। सो मुझे नहीं लगता कि आपके पास और कोई टॉपिक होगा, क्योंकि आपको गाना भी गाना है, लड़कियों के ऊपर गाना है, कुछ अभद्र बातें भी करनी है लड़की के ऊपर करनी है, किसी को गिराने की कोशिश भी करनी है तो लड़कियों पर करनी है, एल्बम में भी गाने में कोई चाहिए तो लड़की ही ढूंढते हो आप लोग शूटिंग करने के लिए, मूवी में भी हीरोइन चाहिए तो लड़की ही है, आपकी स्टोरीज भी अगर रहती है तो लड़कियों के ही इर्द गिर्द रहती है, तो सोच लीजिए कि लड़कियों का योगदान कितना होता है। खैर, आप लोग अभी बट नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज जब इंसान के अंदर पैसा जब सर पे चढ़ने लगता है ना, तो इंसान इंसानियत भूल जाता है। खैर एनीवेज, जितने भी लोग हैं सपोर्ट में, थैंक यू सो मच एंड वी लव यू ऑल, जिन्होंने जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमें पसंद किया है। आज के बाद ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं आएगा हमारा, खास करके मेरा, बाकी लोग तो फ्री है, सब लोग अपना कर सकते हैं, बट मुझे इन सब चीज़ों से बाहर रहना है और मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, और आई एम विलेन, बॉलीवुड में जाओ। कल भी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, बट आई एम वेरी हैप्पी, मैंने ये मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं सब, तो फिर थैंक यू किसले गौरव, थैंक यू सो मच। और प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, सो अगर मुझे वहाँ पे वर्क करना होता तो शायद मैं यहाँ पे 14 इयर्स वर्क नहीं करती। वकील कुमार कौरी, लड़की एक साक्षात देवी के रूप होती है, नहीं एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ माता जी का पंडाल बनाते हैं और उनको उस वक्त पूजा जाता है जब उनकी जब नवरात्रि होती है या कोई त्यौहार होता है, अदरवाइज यहाँ पे किसी को कोई किसी को मतलब नहीं है। सो यहाँ के थॉट्स ऐसे हैं लोगों के, बट कोई बात नहीं, चलो दूसरी बात करते हैं। सो एक इंटरव्यू के बाद बहुत एक अच्छे दोस्त मिले हैं, किसले गौरव जी, जिन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, सो थैंक यू सो मच किसले।
अमितेश यादव जी, आप भोजपुरी में ही रहिए जी। ज़रूर मैं भोजपुरी में रहूँगी और लाइफ टाइम मैं भोजपुरी में वर्क करूँगी, अगर मैं अदर इंडस्ट्री में वर्क करती भी हूँ, बट यहाँ पे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज ये मेरी कर्म भूमि है। और किसी के डराने से, धमकाने से या कुछ करने से मैं डरने वाली नहीं हूँ, बिकॉज डर तो वैसे भी नहीं है। अगर डरती तो शायद मैं पहले चुप रह जाती या मैं इंडस्ट्री छोड़ देती, ऐसी चीज़ें हो सकती थी मेरे साथ। बट मैंने सबको अपने काम से ही जवाब दिया है, और इस बार भी अभी मैं भी सोच के बैठी हूँ कि मैं काम से ही जवाब दूंगी, मुझे काम करना है। सो मेरे जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो शायद इसी वजह से सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो अजय वर्मा जी, कैसे हैं आप? अल्पराज जी, अब इस मैटर पे बात नहीं करनी है, जो था सत्य मैंने बता चुके हो। राजन गुप्ता जी, व्हाट अबाउट अमरपाली, इज शी सपोर्टिंग यू? यस ऑफ कोर्स, उन्होंने वो सपोर्ट कर रही हैं, और जितने भी हमारे फीमेल एक्ट्रेसेस है सब सपोर्ट में हैं। सो मुझे इसी चीज का प्राउड है कि हमारी इंडस्ट्री मेरे सपोर्ट में है, और इंडस्ट्री वालों ने अगर पूछना ही था तो फिर इंडस्ट्री वालों को ही पूछते हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जो मुझे नहीं जानते हैं, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे, तो मैं उनके बारे में क्या ही जवाब दूँ। खैर, आप लोग अपना फेम पाने के लिए किसी के सपोर्ट में, एक एक्टर का सहारा लेके शायद आपको फेम पाना हो इस वजह से, और कुछ न्यूज चैनल्स जो अपने आप को न्यूज चैनल्स वाले बोलते हैं, यूट्यूबर्स, तो वो लोग भी एक स्टार के वीडियोस डाल डाल के उनकी अच्छाई एंड ऑल सारी चीज डाल डाल के, अगर किसी की बुराइयां डाल डाल के अगर वो लोग वीडियोस बनाते हैं और ये व्यूअर्स पा रहे हैं, तो शायद वो अर्निंग के लिए वो लोग करते होंगे, बट मन ही मन उनको भी पता ही होगा चीजें चलती क्या है इंडस्ट्री में, होता क्या है। बट दैट्स ओके, अगर आप लोग का घर चलता है उस चीज से तो भी कंटिन्यू आप लोग बढ़ते रहो उसी में, बिकॉज मेहनत के फल रास आते हैं, बट छल कपट के नहीं, और क्या बोलते हैं, बिना मेहनत वाले जो भी है वो सब नहीं आते, कहीं ना डाइवर्ट हो जाता है वो पैसा, पता है, कहीं किसी की बीमारी में चला जाएगा या कुछ ना कुछ होता ही है, वो पैसा कभी रास नहीं आता, बिकॉज उसमें ना दिल से निकली होती है ना, जिस चीज के लिए आपने बोला है ना उसकी निकलती है, रूह से निकलती है, आहा निकलती है, सो शायद वो पैसा कभी रास नहीं आ सकता। खैर, एनीवेज मुझे इन सब बातों में नहीं पढ़ना है, एंड आई होप कि और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंसान की हम बात कर रहे थे वो तो बोल ही नहीं रहा, बट उनके जो गैंग है वो ज्यादा बोल रही है, तो यहां से पता लगाना चाहिए लोगों को। बट खैर, एनीवेज ये प्यार है, अंधा प्यार जो होता है, मैंने बोला अंधा प्यार होता है, सो वही होता है। बट खैर, एनीवेज काम से जवाब दिया जाएगा, दे ही रही हूँ, और शायद इसी वजह से ट्रॉल की जा रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो गाइस, मूव ऑन एंड आगे बढ़ते रहो, इसी में घूमते रहोगे तो जीवन बर्बाद होना है, तो मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे मेहनत करनी है। हाँ, जय श्री काशी विश्वनाथ, जय हर हर महादेव, भगवान पे भरोसा है गाइस, भगवान है साथ में। आकाश 903 कुमार, हाय मैम, मैं यूपी बरेली से, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप काम पे फोकस करो, बोलने वालों को बोलने दो, क्योंकि सबको पता है कौन क्या है, बस कुछ लोग ही जो जान के भी अनजान बनते हैं। यस ऑफ कोर्स, हाँ, इसीलिए मैंने लाइव आई हूँ, यही बताने के लिए कि अब जिसको जो करना है आप कर सकते हो, ट्रॉल करो, अपने व्यूअर्स बढ़ाओ, फैन फॉलोवर्स बढ़ाइए,
ऐसे ही आगे बढ़िए, अपनी इनकम कमाइए, यूट्यूब से व्यूअर्स बढ़ा के फॉलोअर्स बढ़ा के आप पैसे कमाइए। चलो इतना तो मुझे गुमान है कि आप लोग हमारा नाम लेके इतना पैसा तो कमा रहे हो, अपना घर चला रहे हो। इतना तो प्राउड फील मुझे हो रहा है कि हमारे नाम से किसी का घर तो चल रहा है। शायद आपके बीवी बच्चे माँ बाप उसी पैसे का खाना खाते होंगे जो आपने लड़कियों की या फिर कई लोगों की ऐसे इज्जत उतारी है, वही आप पैसा खिला रहे हो। कोई बात नहीं, खिला सकते हो आगे। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर वर्क। सो वही कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार करते रहना। और मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है, और ना ही पहले था और ना ही आगे होगा। मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और इन फ्यूचर जो जो चीज़ें होती जाएगी हम लोग आपको बताते जाएंगे। आप लोग यकीन करिएगा, बट अच्छी चीज़ें बताऊंगी, जो चीज़ें अच्छी हो। मुझे बुराई से कोसों दूर रहना है, क्योंकि मैं बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ। मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, ये सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ और दूर ही रहना पसंद करूँगी। संदीप कुमार, यू आर रियली ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके गाइस, हेलो राज सर, हाउ आर यू, कैसे आप? राज जसवाल जी, हाय कृष्ण पांडे जी, हेलो यादव जी, पावर है आप में? यस ऑफ कोर्स है, गुजराती हूँ, पावर नहीं होगा, महाराष्ट्र से हूँ। बिहार में वर्क करती हूँ, यूपी बिहार वाले मेरे मेरी मतलब फैन है और प्यार करते हैं मुझे, बहुत सारे लोग हैं, तो पावर क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए पावर। जीवन में कमाया क्या है, यही तो कमाया है, आप बहुत सारे लोगों का प्यार सपोर्ट एंड ऑल सारी चीजें होना चाहिए ना। हेलो क्या नाम है पटेल, इट्स अंशु पटेल। गाइस मुझे भूख लग रही है, कितना बज गया? हाँ तो इस बार की दिवाली आप लोग कहाँ मना रहे हैं? आप लोग गांव जाएंगे या फिर घर पे मनाएंगे? हाय हेलो, चलो किसी ज्वाइन करती हूँ, देखती हूँ कोई आ पाता है क्या। अभी छठ भी आ रहा है, सो आप सबको अभी से छठ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और हमेशा आपको सक्सेस दे अपनी लाइफ में, और हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में और काम में मेहनत करें। मेहनत करके गाइस आगे बढ़िए, मेहनत का फलता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। इट्स विभांशु, थैंक यू सो मच विभांशु। एड हो नहीं पा रहा है कोई, सो आई एम सॉरी। लेट मी ट्राई, नहीं हो पा रहा गाइस, यहाँ पे ना
चलो फिर ऐड तो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, और अभी मुझे निकलना भी है, सो अभी मैं जा रही हूँ घर, करूँगी दिवाली एंजॉय फैमिली के साथ, मेरे हनी के साथ। काजल रगवानी क्वीन, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, तो मेरी अभी एक फिल्म यूट्यूब पे आई है, मेरी सास पहले आप, तो 5 मिलियन हो चुके हैं, मतलब बस एक दिन में ऐसे। सो आप लोग ने इतना प्यार दिया मेरे मूवी को, सो थैंक यू सो मच। जो फिल्म है बिफोर यू भोजपुरी पे, तो उसे अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे ही बस देखते रहिए, और अच्छी अच्छी फिल्में हम लोग बना रहे हैं, और अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, फैमिलियर फिल्में आ रही हैं। तो अभी जो मैंने फिल्म करी है, और यस डेफिनेटली हमारे जितने भी नए कलाकार जो इंडस्ट्री में आएंगे, चाहे हमारे जितने भी कुछ स्टार्स हैं, अगर उनकी नज़र में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को भी वो लोग छोटे स्तर में गिने जाए, बट डोंट वरी गाइस, हम लोग आपको वेलकम करेंगे बहुत अच्छे से, हमारी इंडस्ट्री की सब हीरोइंस बहुत अच्छे से वेलकम करेगी, और सबको अपने सपने पूरे करने का रास्ता एंड हक तो मिलना ही चाहिए। सो हम लोग अगर नए नए आए थे, तो शायद हमें जैसे अपनाया था इंडस्ट्री ने, तो आप लोग को भी वैसे ही अपनाएंगे, और जो लोग भी आते हैं नए, वो लोग नए ही होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग पहले से ही मतलब एकदम आ गए थे, सो ये बात बिल्कुल भी नहीं है शायद, लेकिन सोच सोच का फर्क होता है। तो गाइस ये चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, एंड काम पे फोकस करो, ये चलता रहेगा जीवन भर, बिकॉज शायद इन लोग को इंडस्ट्री यहीं तक रखनी है, और इसके आगे ग्रो नहीं करवाना है इंडस्ट्री को, शायद इतनी जो चीज़ें चली ना, शायद इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अगर इन्होंने इतनी मेहनत की होती, तो शायद आज इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे होती, और लोगों के मुँह पे उसके लिए कुछ अच्छी ही बातें निकलती। जैसे मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि हमारे जैसे बिहार की ही ऑडियंस 40 करोड़ 40 करोड़ प्लस है, तो क्या हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को खास करके जो पैसे लगाते हैं, क्या यहाँ पे उनको 40 करोड़ तो छोड़ो, क्या 4 करोड़ तक का भी फायदा मिला है, जो अपने आप को स्टार बोलते हैं उनके फिल्मों से, तो आप अपने जैसे आप प्रोड्यूसर से पूछिएगा हमारी इंडस्ट्री के। सो हम लोग प्रोड्यूसर्स के सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, और हम लोग तो चाहेंगे कि उनको फ़ायदा हो और वो आगे बढ़े, ताकि सबका घर उन्हीं से चलता है, एक 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 जितने भी इंसान हैं, सबका हक, सबका घर प्रोड्यूसर से चलता है, अगर प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे। सो रिस्पेक्ट प्रोड्यूसर्स हमारे जितने भी हैं उनको, एंड बस हमारे जो जितने यूट्यूबर्स हैं ना, मैं उनसे कहूँगी, खास करके जो आप लोग घर घर में जाके इंटरव्यूज ले रहे हैं, ये आप एक काम करिए, हमारे जितने इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरव्यू लीजिए, कि आप लोग को फिल्मों में कितनी रिकवरी हुई है, फिल्में जो रिलीज करी है उससे, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को सच्चाई पता चलेगी। एनीवेज थैंक यू सो मच, मैंने ज़्यादा बोल दिया था, मेरी सॉरी, बट जीवन में अपनी बातें भी रखनी चाहिए, अदरवाइज लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जाते हैं, और गर्ल्स जितने भी लड़कियां हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, चुप मत रहिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग जीवन में कभी अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगी, आप इसी में दबी रह जाएंगी, और
कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सो ये बात फैक्ट है, तो आप लोग अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने मेहनत करिए। मेहनत को कोई भी नहीं दबा सकता है, जितनी मेहनत करोगे आप लोग उतने ही आगे बढ़ोगे। सो लव यू गाइस, टेक केयर, एंड हमारी गर्ल्स को मोर पावर, गर्ल पावर, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड थैंक यू अक्षरा जी, शुभी, थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट में बोला, थैंक यू सो मच। मेरे को सीरियसली उस वक्त रोना आ रहा था कि कम से कम मतलब किसी ने तो बोला, एंड रानी जी आपने और अक्षरा जी आपने, सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। मैं आप सबसे मिलूंगी, पहले आऊंगी मुंबई में मिलूंगी और बहुत बहुत बड़ी वाली जप्पी दूंगी। सीरियसली थैंक यू सो मच, लव यू गर्ल्स एंड लव यू गाइस, बाय बाय।